वृषभ राशि वालों का आज का राशिफल यानी कि 10 नवंबर का राशिफल। तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वृष स्पेशल में। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं पूरे विस्तार से आपके आज के दिन के बारे में। लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज तिथि है त्रयोदशी, नक्षत्र है रेवती, पक्ष है शुक्ल पक्ष, दिन है रविवार। आज सूर्य उदय होगा 6:39 में और सूर्यास्त होगा 5:30 में। आज चंद्रोदय होगा 4:29 में और चंद्रास्त होगा 5:15 में। आज दिन होगा कुल मिलाकर 10:50:57 का और अभी महीना चल रहा है कार्तिक का। उसके बाद आज आपके लिए शुभ समय है, यानी कि जिस अवधि में आप कोई शुभ कार्य कर सकते हैं वो समय है 11:43 से लेकर 12:26 तक। और अशुभ काल यानी कि जिस समय में आप कोई शुभ कार्य ना करें वो समय है 4:03 शाम से 4:46 तक। उसके बाद राहु काल शुरू होता है 4:09 से 5:30 तक। और तो और आज दिशाशूल है पश्चिम दिशा की ओर। तो मित्रों ये था आज का पंचांग। वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व अगर आप जन्म कुंडली के लिए, हस्तरेखा के लिए या फिर आपके लाइफ में कहीं कोई दिक्कतें हो उसके समाधान के लिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरा नंबर आपके सामने लिखा हुआ है। इस नंबर पर आप मुझे कॉल ना करें, आप मुझे व्हाट्सएप कर लें। अगर आप व्हाट्सएप करते हो तो मैं आपके हर मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा और अगर आप कॉल करते हो तो मैं कॉल रिसीव नहीं करता हूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पूरे विस्तार से आपके आज के दिन के बारे में। दोस्तों सेहत के लिहाज से आज का दिन पूरी तरह आपके कब्जे में रहेगा। आज आप स्वस्थ रहने वाले हैं। आज स्वास्थ्य को लेकर आपके मन में कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। आज आप पूरी तरह फिट रहेंगे। आज आप अगर एक्सरसाइज वगैरह कुछ करते हैं तो ये आपके बॉडी के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा रहने वाला है। आज अगर आप रुपयों पैसों का लेन देन करते हैं तो लेन देन करते वक्त आप सावधान रहें और जिस व्यक्ति से आप लेन देन करते हैं उसके बारे में पूरी बातें आप जान लें फिर लेन देन करें तो आपके लिए वो फायदेमंद रहेगा। और अगर बिना जाने आप लेन देन कर लेते हो तो आगे जाकर ये आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। आज आपके घर में खुशी का माहौल रहेगा क्योंकि आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ से आज कोई अच्छी खबर आएगी और उस खबर को सुनकर आप अपने पूरे परिवार के साथ बहुत खुश रहेंगे और उस अच्छी खबर को आप सब मिलकर एंजॉय करने वाले हैं। आज प्रेम के लिहाज से भी दिन काफ़ी बढ़िया है, आपके लिए शानदार है। आज आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका आपसे कुछ डिमांड भी कर सकते हैं तो आप उनकी डिमांडों को पूरा करें, यही आपके लिए और आपके रिश्तों के लिए सही रहेगा। अगर आप उनके डिमांड को इग्नोर करते हैं फिर ये आपके लिए सही नहीं रहने वाला है। आज आपके घर में अगर पूजा पाठ का आयोजन होता है तो बहुत अच्छे, नहीं तो कम से कम पूजा पाठ घर में आप करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। दोस्तों व्यवसाय के लिहाज से भी आज का दिन बहुत शानदार है, आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज अगर आप अपने काम काज में कुछ निवेश करते हैं तो वो निवेश भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा और वो आपको लंबे समय तक धन प्रदान करते रहने वाला है। अगर वैवाहिक जीवन को देखें तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से भी समय काफ़ी बढ़िया है, शानदार है। अगर हो सके तो अपने जीवन साथी के साथ आज आप कहीं घूमने जाएं तो ये आपके लिए और उनके लिए दोनों के लिए बहुत अच्छा है। तो मित्रों हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।